हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। न्यूज़ अच्छी है, L&T की तरफ से आ रही है आप सभी लोगों के लिए। L&T आप सभी लोगों को पता ही होगा, लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बहुत बढ़िया प्राइवेट प्लेयर है ये। लेकिन जॉब नहीं है आपकी L&T में, प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनना पूरा नोटिफिकेशन। एक्चुअली आप सभी लोगों को पता ही होगा, ME M Tech जो होती है आपकी, M Tech जो प्रोग्राम होता है वो IIT से कर सकते हो। गेट देखिए, गेट 2022 दिया होगा किसी ने, तो आपके लिए ऑप्शन खुले होंगे बाद में कि IIT से, NIT से किसी में भी आप जाके M Tech ज्वाइन कर सकते हो। पहले देखो मैं एक क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने BE B Tech कर रखी है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, तो ही आप इस नोटिफिकेशन के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने और किसी ब्रांच से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अलावा, जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल, CS, कोई और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो देखो दोस्तों बता देता हूँ, देखो एक होता है जनरल, जैसे आप करने जा रहे हो गेट के थ्रू IIT में या NIT में या किसी और इंस्टीट्यूट में, तो गेट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है M Tech में। एक होता है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, वो कोई भी कंपनी, टाटा कंपनी हो सकती है या L&T हो सकती है या और भी कोई बजाज वगैरह प्राइवेट प्लेयर हो गया, वो स्पॉन्सरशिप करता है। तो उसमें जैसे आपको अगर M Tech करने जाओगे अगर गेट के थ्रू, तो आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से जाओगे कोई भी कंपनी के द्वारा, तो 12,400 से एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि L&T ने आप सभी लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो IIT देखो, गेट से जाओगे तो कठिन हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इनका एक अलग से पेपर होता है L&T का, जो कि आपके M Tech कराने के लिए होता है। उसमें आपका इजीली होता है, इतना इजी भी नहीं होता, लेकिन हाँ गेट के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। तो ध्यान से सुनना। एक बात और बता देता हूँ, इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट जो करंट में फाइनल ईयर में, वो ही केवल एलिजिबल है जो पहले पास आउट हो चुके हैं, यानी कि 2022 से पहले, यानी कि 21, 20, 19, 18, 17, 16, वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है, केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना और आपको स्टाइपेंड एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। तो मैं पहले दिखाता हूँ आपको, दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड कर दिया आप सभी लोगों के लिए। वहाँ पे प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब सबका नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वहाँ कवर किया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे तीन डॉट देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ करियर सेक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे आप करियर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस इंटरफेस में देखो उन्होंने यहाँ क्लियरली मैंशन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पर क्लियरली आपने देख सकते हो। देखो बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम इज एन एल्यूशन यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम विद यूनिक असेंसिटी फॉर पास्ट 2 decades। तो ये सब कुछ दे रखा है, हाईलाइट किया है, 2 साल का फुल टाइम आपको M Tech का डिग्री कराई जाएगी। किस किस कैटेगरी में वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वो कराई जाएगी आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। 24 मंथ का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होने वाला है IIT मद्रास में, IIT दिल्ली में, NIT सूरतकल में, NIT तिरची में। इन 4 इंस्टीट्यूट में आपको किसी एक में स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम मिलेगी। कोर्स फीस आप जितनी भी होगी वो सारी L&T देगा, आपको बिल्कुल भी पैसा पे नहीं करना, बल्कि आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टाइपेंड इज पेड ड्यूरिंग प्रोग्राम, कोई भी फीस नहीं पे करनी, एक तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये हो गई, आपको स्टाइपेंड अलग से मिलेगा, और स्टाइपेंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा खासा स्टाइपेंड दे रहे हैं। देखो स्टाइपेंड आपको 13,400 मिलने वाला है, 1,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। जैसे उसमें 12,400 मिलता है अगर गेट के थ्रू जाओगे, और उसमें फीस आपको ही पे करनी पड़ती है, लेकिन इसमें फीस भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी और 13,400 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट नीड टू पे हॉस्टल रिकमेंडेशन, आपको हॉस्टल का जो एकोमोडेशन है उसकी फी पे करनी पड़ेगी और मेस की फी, बस केवल 2 चीज़ पे पड़ेगी और 13,400 आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऑन द सिलेक्शन ऑफ दिस 5 लाख का कंप्लीट कोर्स, ये सब कुछ मिलने वाला है, 5 साल तक आप छोड़ के नहीं जा सकते। ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट इज एलिजिबल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। दोज हु आर परस्यूइंग देयर फाइनल ईयर BE B Tech, दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुएट बाई जून और अगस्त, जो आगे ग्रेजुएट होने वाले हैं, मैकेनिकल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इन्होंने क्लियरली अलग से ही मेंशन कर दिया, इतनी बेइज्जती कौन करता है भाई, ऐसे इन्होंने अलग से ही लिख दिया, मैकेनिकल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड इन 2021 से पहले भी ग्रेजुएटेड हुए, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है, इन्होंने क्लियरली लिख रखा है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन आपको करना है। नीचे इन्होंने स्टेप भी दे रखी है और सबसे नीचे इन्हें अप्लाई का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे लिख रखी है इन्होंने। लास्ट डेट आपकी होने वाली है वो 31 मार्च होने वाली है, तो 31 मार्च से पहले जरूर से जरूर फॉर्म सबमिट कर देना। जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल से लेके मई के बीच में होने वाला है, ठीक है, अप्रैल 2022 से लेके मई 2022 के बीच में होने वाला है, तो ये भी ध्यान से देख लेना। और रिटन टेस्ट है जो आपका अप्रैल और मई के बीच में, और इंटरव्यू होने वाला है आपका मई और जून के बीच में, ठीक है। स्पॉन्सरशिप लेटर 3rd week जून में मिल जाएगा, ये सब कुछ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट डेट 31 मार्च है, 31 मार्च से पहले जरूर फॉर्म सबमिट कर देना, जो कोई भी अगर उसको लग रहा हो कि मेरा आ सकता है वो जरूर से इसमें फिल करना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जो भी गेट दिए फाइनल ईयर में इस बार वो भी जरूर भरना है इसमें, क्योंकि अगर आप गेट के थ्रू जाओगे तो वहाँ पर और जो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनके साथ में आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल और केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट ही एलिजिबल है, तो जरूर से फॉर्म फिल करना जो भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो स्टाइपेंड वगैरह मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके पूछ सकते हो, एवरी एस्पेक्ट से आपकी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी अगली ऑथेंटिक प्रूफ और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।